नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कान दर्द एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत ही सामान्य है और कई कारणों से यह व्यक्ति को हो सकती है। दोस्तों, कभी कभी सर्दी जुकाम के या फिर एलर्जी के कारण भी कान में दर्द हो सकता है, या फिर कान में यदि हवा लग जाती है, यदि आप कहीं बाहर जाते हैं तो ज़्यादा हवा यदि आपके कान में चली जाती है या फिर पानी चला जाता है नहाते समय, तो इन सब के कारण आपके कान में दर्द स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कान दर्द के लिए बहुत ही आसान से घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि तेज कान दर्द दे रहा है तो इससे छुटकारा पाने के लिए जैतून का तेल एक रामबाण उपाय है। दोस्तों, इस तेल से कान में जरूरी चिकनाई मिलती है, जिससे कान का इन्फेक्शन जो होता है वह खत्म होता है। कान में जो सूनापन होता है या फिर झंझनाहट होती है, उसे भी खत्म करने में जैतून का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, और जो जैतून का तेल है, इसे कान में उपयोग करने का किस तरह से उपयोग करें, बहुत ही आसान है। यदि आपके कान में दर्द हो रहा है तो आप क्या करें कि जैतून के तेल को हल्का गर्म कर लें और उसकी 4-5 बूंदें कान में डालें। यह नुस्खा करके आप बहुत ही आसानी से अपने कान के दर्द को ठीक कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, आप इसके अलावा भी एक दूसरा तरीका यह अपना सकते हैं कि आप एक रुई का टुकड़ा लें, उसे जैतून के तेल में डुबोएं और उसे अपने कान पर लगाकर रखें। दोस्तों, इससे धीरे धीरे जो ऑलिव ऑयल है वह आपके कान में जाता रहेगा और आपकी जो भी कान में प्रॉब्लम हो रही है उसे आप ठीक कर लेंगे जल्दी से जल्दी। या फिर दोस्तों, यदि आपके घर में जैतून का तेल नहीं है तो आप इसी तरीके से सरसों के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल भी आपके कान के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।